तो देखिए, जयंत चौधरी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, एनडीए के साथ आते हैं अगर जयंत चौधरी, तो एनडीए के साथ आने के साथ ही दोनों के लिए यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी दोनों के लिए ये जो पूरा का पूरा सौदा है ये फायदेमंद साबित होगा और इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों पर उनके नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो 91% जो वोट था वो बीजेपी ने हासिल किया था। ऐसे में जयंत चौधरी भी अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं, तो ये माना जा सकता है कि इससे एनडीए को 80 में से 80 सीटें जीतने का जो फॉर्मूला है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये कितना बड़ा स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, जयंत और बीजेपी का साथ साथ आना कितनी मुश्किलें बढ़ा देगा अखिलेश यादव की? प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि एनडीए के साथ गठबंधन हो जाता है उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो न सिर्फ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दोनों और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बल्कि इसका जो असर है, जो परसेप्शन होता है, नैरेटिव सेट होता है, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लिए समस्याओं का जो अंबार है वो खड़ा कर देगा। साथ ही बात कर लिया जाए अगर पिछले विधानसभा चुनाव की ही, तो जिस तरीके से आरएलडी के विधायकों ने वहां पर जीत हासिल की थी, भले ही वो समाजवादी पार्टी के उस समय साथ थे, तो अगर ऐसे में ये गठबंधन संभावित होता है कि एनडीए की तरफ रुख होता है जयंत चौधरी का, तो ये अपने आप में न सिर्फ एक बड़ा सेटबैक होगा एनडीए गठबंधन के लिए, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन की जो देश भर से शुरुआत देखने को मिली है, चाहे पहले ममता बनर्जी की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, अब अगर जयंत चौधरी का मूव इस तरीके से होता है तो अपने आप में एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे जब कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई तो शिवपाल यादव का यह कहना था कि ये सब जो चीजें हैं ये सिर्फ मीडिया में चीजें आ रही हैं, जयंत चौधरी को अच्छे से जानते हैं, वो सीनियर नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, वो कहीं एनडीए गठबंधन को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ऐसा ही मनोज पांडे का भी कहना है जो कि मुख्य सचेतक दल के नेता है समाजवादी पार्टी के। तो भरसक कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी को, कल से जो खबरें सामने आनी शुरू हुई हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे डैमेज कंट्रोल को किसी तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन अगर जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में आती है तो न सिर्फ ये सेटबैक होगा एनडीए गठबंधन के लिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है 80 में 80 सीटों को जीतने का, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा चरितार्थ हो सकता है। और जो आरएलडी के सूत्र हैं प्राची, वो बता रहे हैं 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है, ऐसे में आरएलडी का एनडीए के साथ आना, जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना एक बड़ा मैसेज देगा, खासकर जाट वोट बैंक जो है, जो आरएलडी के साथ इंटैक्ट रहता है, वो बीजेपी के साथ आकर जुड़ेगा और इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ एक के बाद एक इंडिया अलायंस है, उसके पार्टनर्स का मोह भंग हो रहा है, पूरे इंडिया अलायंस में इस वक्त खलबली मची हुई है। तो